बहन शमिता शेट्टी ने बिग बॉस में जाकर लिया है गलत डिसीजन। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं यूजर्स कि शमिता शेट्टी को अभी बिग बॉस के घर में नहीं जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस डेटा न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। वेल दोस्तों, अभी रिसेंटली बिग बॉस OTT में 13 कंटेस्टेंट्स ने धमाकेदार एंट्री मारी है, जिसमें से एक कंटेस्टेंट है शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी। इस समय हम सभी जानते हैं कि शेट्टी परिवार काफ़ी मुसीबतों में है। जैसा कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों सलाखों के पीछे बंद है इलीगल पोर्नोग्राफी के आरोप में, तो वहीं पर शिल्पा शेट्टी काफ़ी परेशान है। CBI की टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है शिल्पा शेट्टी से। ऐसे में शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर के अंदर गई हैं, बिग बॉस OTT में गई हैं। यहाँ पे यूजर्स ने जो है जमकर शमिता शेट्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे यूजर्स का ये कहना है कि उनका परिवार मुसीबत में है तो वो OTT शो में कैसे जा सकती हैं, क्या उन्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ पे ट्रोलर्स जो है ना कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे ट्रोल करने के लिए। जी हाँ, शमिता शेट्टी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और ट्रोलर्स जो है लगातार शमिता शेट्टी को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का ये कहना है कि ऐसे सिचुएशन में अपने परिवार को छोड़कर शमिता शेट्टी कैसे बिग बॉस OTT में जा सकती हैं, बिग बॉस के तो कई सीजन आएंगे, इसी सीजन में क्यों जाना उन्होंने रेफर किया, क्या हाईलाइट बटोरने के लिए शमिता शो में गई हैं या फिर अपने जीजा की तरफ से सफाई देने के लिए शो में गई हैं शमिता। खैर ये तो शमिता ही जाने, लेकिन उनको जो है सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपका क्या है कहना सोशल मीडिया के इस ट्रोलिंग के बारे में शमिता शेट्टी को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।